नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। साथियों, 24 घंटे हम अपने कई कार्यकलापों में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपने जीवन को सही ढंग से जीना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हो, तो ज्ञान अर्जित करना बड़ा ज़रूरी है। केवल भौतिक जगत का नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आइए इस वीडियो से शुरुआत करते हैं, केवल 5 मिनट ज्ञान के। एक विषय है जिसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन है, वो है मुक्ति, निर्वाण, या अंग्रेजी में कहें तो लिबरेशन। ये क्या है, इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। तो आइए आज इस पाँच मिनट के वीडियो में हम इस विषय को बिल्कुल क्लियर करें, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। केवल 5 मिनट ज्ञान के। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है जो यहाँ इस भौतिक जगत में हमें जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र में जो फंस जाते हैं अकारण, उससे छुटकारा, उसका नाम है मुक्ति या निर्वाण। अलग अलग नाम है, बात एक ही है, लिबरेशन। इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। पहली बात तो ये कि मुक्ति हासिल करना, निर्वाण प्राप्त करना जीते जी इसी जन्म में, इसी जीवन में के दौरान ही संभव है, मृत्यु के बाद नहीं। क्यों? छुटकारा तो इस भौतिक जगत से है ना, तो यहीं रहते हुए ये प्रयत्न करना पड़ेगा मुक्ति की ओर, मार्ग जो है उसको उस पर चलना पड़ेगा, ताकि आप जीते जी मुक्त आत्मा हो सको। दूसरी भ्रांति ये है कि मुक्त होने के बाद जीवन समाप्त है, ऐसा नहीं है। जीवन निरंतर है, शाश्वत है, इटर्नल है, वो कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, इस भौतिक जगत में आपको जबरदस्ती अकारण जन्म मरण और मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर आप चाहो एक मुक्त आत्मा के रूप में आप अपनी इच्छा से आ सकते हो इस भौतिक जगत में, फिर आप मुक्त हो, कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। क्यों? आपको समझ आ गई आपके अंदर अवगुण रहे नहीं। किसी की हेल्प करने के लिए या अपने किसी खास कार्य के लिए आप अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में आ सकते हो, लेकिन पिछले बुरे कर्मों के बंधन के कारण आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे बाई फोर्स जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप कर्म बंधन से मुक्त हो चुके होंगे जब आपने मुक्ति प्राप्त कर ली है, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, लिबरेट हो गए हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुक्ति क्यों चाहिए? क्यों हर व्यक्ति के अंदर 5 अवगुण की संभावना है? मैं ये नहीं कहता कि सबके अंदर है, ये किसी के अंदर है, इनमें से कोई गुण अवगुण हो सकता है ना हो पिछले अच्छे कर्मों के कारण, किसी में कम है कोई अवगुण, किसी में ज़्यादा है, लेकिन ये 5 अवगुण इंसान के अंदर, इनकी संभावनाएं रहती हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसिस में ये उजागर हो सकते हैं और यही फिर आपसे गलत कार्य करवाते हैं। कौन से हैं अवगुण? सबसे मुख्य है लालच, ग्रीड, तरह तरह के रूप में। आप कहोगे अरे भाई मैं तो ग्रीडी नहीं हूँ, मैं तो दूसरों की बड़ी हेल्प करता हूँ। नहीं, सूक्ष्म रूप में किसी न किसी कारण से, कभी ना कभी किसी सर्कमस्टांस के अंडर कोई टेम्पटेशन ऐसी आई कि आपने लालचवश कुछ गलत कर दिया। दूसरा है लालसा, लस्ट, जो कि सेक्सुअल क्राइम और सब उसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा तीसरा है चोरी करना, फिर चौथा है झूठ बोलना, चोरी करना और झूठ बोलना, और उसके अलावा फिर आता है जो एक अवगुण है, वो है मतलब कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना किसी भी रूप में, मानसिक रूप में, फिजिकल रूप में, अपना भला करने के लिए दूसरे को नुकसान। सटल रूप में ये कार्य करते हैं, कई व्यक्ति समझते हैं नहीं मैं भाई मेरे अंदर कोई बुरा कर्म नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में कार्य कर जाते हैं। तो ये बुरे कर्म, बुरे जो अवगुण हैं, यही हमसे गलत काम करते हैं,
इनसे छुटकारा ही मुक्ति है। मुक्ति के बाद जीवन रहेगा, भौतिक में नहीं रहेगा, सूक्ष्म जगत में चलेगा, निरंतर है, वो समाप्त नहीं होता। उम्मीद है इस वीडियो से इस विषय पे सारी जो भ्रांतियाँ आपके वो दूर हो चुकी होंगी और आप मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर होने में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केवल 5 मिनट ज्ञान के समर्पित कीजिए, आपकी उन्नति होगी। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।